अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों बेलियो की हाल है। अज असी बड़ी स्पैशल रैसपी लैके आए हैं सरसों के आज के ऑमलेट तैयार करांगे। उहदे वास्ते सानू सब तो पहले प्याज चाहिए ने, प्याज असी कट लेंगे। उस तो बाद दूसरे नंबर पर सानू टमाटर चाहिए, टमाटर असी कट लेंगे। तीसरे नंबर पर सानू सुख मिर्च चाहिए, वह भी कट लेंगे। उस तो बाद सानू जिहड़ा उह सुरख मिर्च चाहिए है, काली मिर्च चाहिए है, हल्दी चाहिए है, नमक चाहिए, असी तीनों छावां ये भी शामिल करेंगे। शामिल करने तो बाद एक बाउल दे विच सारी चीज़ा मिक्स कर लेंगे, विच अंडे डाल के अच्छे तरीके ना मिक्स करने तो बाद एक पैन दे विच असी सरसों का आयल शामिल कर लेंगे। सरसों के आयल नूं थोड़ी जी हीट होने देवे। हीट होने तो बाद इहदे विच जिहड़ा मिक्सर असी मिक्स किया होया वह इहदे विच शामिल करेंगे। शामिल करन तो बाद इहनूं थोड़ा जिहा हीट हो लैन दिओ। हीट होने तो बाद इनूं तुसी पलट लेना, इंतजार नहीं करना कि इहदी असी इनूं प्रॉपर जिहड़ा वह तह दे विच पलटीए। अगर तो तुसी प्रोफेशनल हो फिर तो तुसी पलट सकते हो, अदरवाइज तुसी ये कम नहीं करना, फोरन इनूं मिक्स कर लेना। मिक्स करन तो बाद इनूं डिश आउट करना है। डिश आउट करन तो बाद इनूं तुसी टेस्ट वास्ते खाना शुरू करना है। हुण असीं तुहानूं टेस्ट करके दिखावांगे कि इह किस तरह का बनया है। तो अलहमदुल्ला इहदे विच सरसों दे आयल की कोई भी स्मैल या खुशबू वगैरह नहीं आती, बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह तुसीं किसी दूसरे आयल या घ्यो दे विच शामिल किया। इस दे नाल दिओ जा